I'm sorry, I'm a bit late today. I was stuck with something. There was some issue with my system. But can you all see me and hear me? Ma'am, please start the class. Yes, Sarita, I'm starting. I'm as eager as you are to start the class. Can you all see me and hear me? One second. Sorry, मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए नहीं आ रही. ओके क्रिएटिव गर्ल, इट्स ओके. लेकिन मेरा इंग्लिश का एग्जाम है इसलिए मैं आई हूँ. अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. सो नाउ आई कैन सी दैट आई एम लाइव. गाइज, द टॉपिक फॉर टुडे इज द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम. इट्स चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर बुक हनी कॉम. आई एम डूइंग गुड बर्नाली, हाउ आर यू? By the way guys, I saw all your Teacher's Day hats that you have given me and I am so thankful to you guys. It makes me so happy to look at all of those hats. Piyush, khush rahiye. Hi Anushka. Hi Astha. Hi Ajay. Hi Arsh. टुमारो बुक सेशन, येस एब्सोल्यूटली. कल फ्राइडे को हमारा बुक सेशन है और खास आपके लिए है जैस्मिन. हाय आशा. हाय आकांक्षा. येस जैस्मिन, कल है ना बुक सेशन? है. हाय गोलगप्पा, हाउ आर यू डूइंग? ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ दैट यू ऑल आर हियर. ऑल्सो प्लीज क्विकली गो अहेड एंड गिव अ थम्स अप. शो सम एंथुजियाज्म गाइस चैट में और लाइक्स में भी. आप भूल गए मैं होनालिसा हूँ. अच्छा होनालिसा, ओके ओके. आप अपनी आईडी को होनालिसा कीजिए ना, फिर क्रिएटिव गर्ल किया हुआ है. इतने सारे बच्चे आते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं ना. मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी. हाय आरो, सो ग्लैड टू सी यू. हाय ऑरेंज जूस. ओके, सो लेट्स बिगिन. वेलकम टू माई क्लास डियर लर्नर्स. माई नेम इज स्वेक्षा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एट अन अकेडमी 7. इट इज एन एक्सट्रीम प्लेजर फॉर मी एवरी डे टू कम एंड जॉइन द क्लास एंड टीच यू गाइज इंग्लिश. एंड एज आई ऑलवेज से, यू कैन एस योर स्कूल विद अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. देर इज नथिंग लाइक दिस सब्सक्रिप्शन गाइज. जो प्लस में मिलेगा और आइकॉनिक में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है एट द प्राइस दैट दे आर ऑफरिंग इट एट. सो प्लीज गो फॉर दिस. एंड वेन यू डिसाइड टू गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, तो ये जो कोड है ना, ये मेरा कोड, ये भूलिएगा नहीं. मुझे लगता है कि आप सब भूल जाते हो मेरा कोड. ओके, इट इज SWS10. ओके, रिमेंबर टू यूज दिस कोड. मैम, डू यू नो सिद्धार्थ शुक्ला? यस आई नो. आई मीन आई डोंट नो हिम बट आई हैव हर्ड व्हाट हैपेंड टू हिम. आई नो, इज रियली सैड. हाय आकृति, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? ओके, सो हियर इज माई स्केड्यूल गाइज ऑन अन अकेडमी 7th डेली एट 8 PM एंड 11 AM ऑन ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे. ओके, टेलीग्राम पे आपको मिलता है डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारी टीम के साथ, लाइव अपडेट्स फॉर आवर चैनल, नोट्स फॉर ऑल द सेशंस एंड डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद आवर टीम. ऑल्सो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे हैट दिया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू. आई एम रियली ग्लैड फॉर ऑल दोज हैट्स. आई लुक एट देम टाइम एंड अगेन. मैं बार बार जाके देखती हूँ जो भी आप लोगों ने लिखा है. इट्स वेरी टचिंग टू सी ऑल योर कॉमेंट्स. इट्स वेरी नाइस. मैम, डू यू वॉच बिग बॉस? अनफॉर्चुनेटली नो, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच बिग बॉस. नवीन, हाँ जी कृष्णा, मैं तो अनअकैडमी पर नई लाइव आती हूँ. वॉइस इज नॉट क्लियर गाइज. क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? सपना कह रही है उनको नहीं आ रही है. आप फ्राइडे को नहीं आते हो पढ़ते? पढ़ाते मैं पढ़ाती हूँ ना फ्राइडे को भी, हर रोज पढ़ाती हूँ. इट्स एवरी डे एट 8. वॉइस नॉट क्लियर. ओके, let me do something about it then.
इट क्लियर नाउ गाइस? मोनालिसा से होनालिसा, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली. ऑल राइट होनालिसा, थैंक गॉड यू चेंज्ड योर नेम. अब आएगा मजा. बैकग्राउंड वॉइस इज डिस्टर्बिंग. ओके वन सेकेंड, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? जस्ट वन सेकेंड. ओके गाइस, ओके साई, इट्स योर फादर्स अकाउंट. ओके ओके आई गेट इट. सो बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं क्या करूँ? जस्ट वन सेकेंड. आई थिंक मैंने ना फैन थोड़ा तेज चलाया हुआ है, इसके कारण से आप लोग को आवाज़ आ रही है. सो व्हाट डू वी डू? समटाइम्स आई विश आई हैड अ रिमोट कंट्रोल फॉर माई फैन बट आई डोंट. बजिंग नॉइस इज कमिंग वेरी मच. Yes, Barnali, I read your hat. It's really awesome. Yes, yes, I read your hat. Barnali, I read what you wrote. It's really touching. इसलिए तो मैं बोल रही हूँ बार बार कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो हैट आपने मुझे दिया है. It's really, और तेजस्वी मैंने आपका भी देखा. मेरा दिमाग खराब हो गया है, वर्ड नहीं बचे बोलूँ, इतना परेशान किया है इसने. उफ, आई नो माई ओल्ड लैपटॉप वॉज लाइक दैट बट आई गॉट अ न्यू वन नाउ. कर रही हूँ होना जैसा, आई एम स्टार्टिंग द क्लास बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं ये फैन का क्या करूँ बिकॉज यू गाइस आर सेइंग आपको आवाज नहीं आ रही है. यस वीरांश, आई रिमेम्बर. ओके वन सेकेंड. यस 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 आई रिमेंबर बर्नाली. ऑल राइट, सो अन अकेडमी आस्क अ डाउट, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, आस्क डाउट्स एनी टाइम, गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चंस एंड ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस फॉर लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑल्सो गेट असिस्टेंस विथ योर होमवर्क. ओके, हाउ टू आस्क अ डाउट? आस्क अ डाउट में आप जाके क्लिक करो ऑन द एप्लीकेशन, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी एंड सेलेक्ट द पिक्चर दैट हैज गॉट योर क्वेश्चन एंड यू कैन क्रॉप टू हाईलाइट दैट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, चूज द सब्जेक्ट दैट दिस क्वेश्चन फॉल्स अंडर एंड सिट टाइट एंड यू विल रिसीव द सॉल्यूशन वेरी वेरी सून फ्रॉम अस. ओके, आस्क डाउट के डूज एंड डोंट्स क्या है? प्लीज डू नॉट आस्क मेनी डाउट्स एट वंस, ऑल्सो डू नॉट पोस्ट हैंड रिटन क्वेश्चंस, ब्लर्ड इमेजेस और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस गाइस. ओके, and post doubts using the Unacademy application only. Ma'am, band kar sakti ho fan? Yes, I am trying to understand ki main uthu ya nahi, I should get up or not. Ideally, I can't get up in the middle of the class, Arohi, that is the main problem. We start menti. We start with vocabulary, guys. As per our schedule, every day, let's do some vocabulary. Is what I say. So bow down का मतलब क्या होता है? To show respect to authority. Okay? Everyone. अरे हाय पुष्पक, कुछ दिनों के बाद दिखे हो आप मुझे, कल तो नहीं आए थे. Yes. So to bow down means to respect authority. Okay? Everyone bow down when the chief minister entered the room, okay, or when the king entered the court, that is bowing down. Okay, salute. Ma'am ko garmi mein spoil karoge, ma'am itni cute. Thank you Tejasvi. Okay, so that is bowing down, you bow down to authority. Okay, stingy means miserly. Stingy nahi bolte hain isko, stingy bolte hain. Okay, stingy means koi bahut hi kanjoos sa insaan. Okay, somebody who is very very kanjoos. अच्छा पैक रिचार्ज नहीं हुआ. ही रिफ्यूज टू बाउ डाउन बिफोर द किंग, एब्सोल्युटली साई होता. अच्छा साई, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने आज की है हैरी पॉटर की मेंटी, तो यस यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, वी विल डू अ मेंटी ऑन हैरी पॉटर. सो स्टिंजी,
My friend was very stingy earlier, but these days he is showing a big heart and I am confused about it. Right? कोई बंदा जो पहले बहुत ही कंजूस था अभी बड़ा दिल दिखा रहा है तो आपको लगता नहीं पता नहीं क्या चाहिए इसको. होता है ना ऐसा कभी कभी कि भाई ये कब से देने लगा मुझे अपना टिफिन. He is really stingy and never buys the drinks when we go out. Okay. All right, that is correct. Barnali, good. Barnali and Tejaswi are doing a good job with the sentences. I bow down to my teacher in the classroom. It might not be correct. You don't bow down, or you only wish or greet your teacher. Okay, you bow down to somebody who's an authority, okay, like a huge authority. Okay, teachers of course have authority, but you bow down to kings and queens, okay, or things like that, or somebody like a judge. Okay, jab judge aate hain to kya hota hai, sab log aise bow karte hain na. Chapter mentee, jab main chapter ke mentee karati hu sab kitne bore ho jate hain. I just don't know, I'm so confused with you all. ओके नेक्स्ट वन इज ऑन पर्पस यानी इंटेंशनल. ओके ऑन पर्पस का मतलब होता है जब आप कोई चीज इंटेंशनली करते हैं. शी केम लेट ऑन पर्पस, शी केम लेट टू द पार्टी ऑन पर्पस एज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड. ओके शी केम लेट टू द पार्टी ऑन पर्पस, करेक्ट आरो. If you win or lose, let it be on purpose. Okay. He was so stingy. What happened to him today? What did he want? Yes, correct, correct. There seemed to be no way to escape the anger of the furious man. Correct, Barnali. Absolutely correct. Mourn. Mourn का मतलब होता है शोक मनाना. Okay. हिंदी में हम जब बोलते हैं ना शोक मनाना. That is called mourning in English. To be sad mostly on someone's death. Okay? Let us say I'm mourning the death of my dog. I'm mourning the death of somebody. Okay? Like that. My friend pushed me into the pool on purpose. Absolutely Puspak. Bilkul. So my friend pushed me in the pool on purpose. Correct? My father was furious at him, होना लेसा बिल्कुल. So we have होना लेसा, आरो, बर्नाली एंड तेजस्वी. ओके द नेक्स्ट वन इज टू ग्रो अपार्ट. ग्रो अपार्ट मतलब जिससे बोलते हैं ना कि इमोशंस, इमोशनल टच खत्म हो जाना. राइट, टू ग्रो अपार्ट, टू लूज इमोशनल कनेक्ट. सो यू कैन से दैट अंटिल 10th स्टैंडर्ड आई वॉज गुड फ्रेंड्स. ओके आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन माई स्कूल, बट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वी ग्रो अपार्ट. मतलब हम इमोशनली अलग अलग हो गए बिकॉज वी वर इन डिफरेंट प्लेसेज. ओके वी ग्रो अपार्ट. Okay, Sai, good. या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई माइट लीव द कंट्री बट वी विल नेवर ग्रो अपार्ट. है ना, मैं शायद ये देश छोड़ के चली जाऊं लेकिन हमारा कनेक्ट कभी खत्म नहीं होगा. आई माइट लीव द कंट्री बट वी विल नेवर एवर ग्रो अपार्ट एज फ्रेंड्स. ओला प्रोफेसोरा कोमो एस्तास. ओला जैस्मिन. We wouldn't grow underground. We wouldn't grow underground. We got older, we just grew apart. Since moving to London, he has grown apart from many of his friends. Good, Sai. Very, very good. That is the correct example. So, to grow apart means to have a disconnect emotionally, okay? Now, the next one is look into. To look into something, yani aap kisi matter mein, you are looking into a matter, okay? To go into the details of a matter. You can say that the CBI is looking into the case of Sushant Singh Rajput. Just saying generally,
I don't know if the CBI is looking or not. I am just giving a normal sentence. Okay. The CBI is looking into the case of Sushant Singh Rajput, यानी उसके केस के डिटेल में जा रही है ना? मैम आई एम न्यू इन योर क्लास. हाय कनन. कनन इज ऑल्सो द नेम ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन. हिज नेम इज कनन गिल. हाय श्रेया माय फ्यूचर आईएएस. वी आर ऑल मॉर्निंग इन द मॉर्निंग ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला. वी आर ऑल मॉर्निंग इन द मॉर्निंग फॉर सिद्धार्थ शुक्ला. ओके आरो. You can simply say we are mourning the death of Siddharth Shukla. Okay? Oh, Pushpak ne ekdam sentimental line mara hai. Jara dekho sab log chat mein kya likha hai. I would never grow apart from Barnali. Awesome Pushpak, ye to ekdam 100 points wala line hai. Very very good. Good usage. So how can you say it better? Barnali and I will never grow apart. Okay? Barnali and I will never grow apart. You can't grow apart from her. Barnali and I will never grow apart. When we grow apart, it will be very full. Hoga ki nahi? Nahi hoga, Ona Lisa. No, 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 no. I cannot do Menti because my laptop is not working. Oh, I wish it was. So that is growing apart and looking into a matter. Okay, when you look forward to something, you all always look forward to what? Menti, right? We look forward to Menti in the class, or you look forward to Sweksha ma'am's class. I really hope that you all do. Yes, the college principal promised to look into the matter. Absolutely correct. Aise hi hoga. कितना बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बनाया है आपने. मेरी तो आंखों में स्टार आ गया. हैव यू सीन दैट इमोजी ऑन व्हाट्सएप जिसमें कि स्टार होता है आंखों में? सो दो स्टार्स आर फ्लोटिंग इनटू माय आईज राइट नाउ. इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं आप लोगों ने. हाय सार्थक, आई रिमेम्बर यू. वे लेट मी सेंड दैट इमोजी टू यू गाइज. ओके, द स्टार इमोजी आई एम टॉकिंग अबाउट. That is me with all your sentences. Yes, absolutely. मेरे आंखों में stars, I can imagine. He is looking forward to starting the new job. Absolutely. Attitude girl कौन है? OPP. Is this Jenny? ये OPP कौन है? Please जल्दी बताओ. Is this Jenny? मैम मेंटी वैन अभी तो हमने वो भी नहीं स्टार्ट किया आपका चैप्टर. तो गाइज आई थिंक इफ आई स्टार्ट समराइजिंग नाउ वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सेंटेंसेस. इफ आई स्टार्ट समराइजिंग वी माइट मिस आउट ऑन क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन आंसर में ही समराइज कर दूं क्या सारा कुछ? इज इट बेटर टू डू इट दैट वे? इट्स अ बिग चैप्टर. समरी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स. क्या कहते हो, समराइज करिए क्वेश्चन आंसर. The dog grew apart with the king. How to join? So I think summary हम ना chapter करते करते ही कर लेंगे. So why did the neighbors kill the dog? Okay, I think the first question is that. अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि summary करने के लिए. गाइज क्विकली एक पोल हो जाए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है. तो हम क्वेश्चन आंसर करें या समरी करें? ओके, काफी लोग बोल रहे हैं समराइज करेंगे. तो हम पहले समराइज करेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? सो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस. ओके, अब डायमियोस कौन है? दीज आर जापानीज लैंड होल्डर्स, है ना? इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड कपल हु हैड अ पेट डॉग एंड दीज पीपल डिड नॉट हैव अ बेबी बट दे ट्रीटेड द डॉग लाइक इट वाज देयर
चाइल्ड, है ना? सो देन व्हाट हैपेंड वन डे, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद द होए एंड स्पेड इन द फील्ड्स वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड ही टुक द डॉग विद हिमसेल्फ. So one day what happened, when these guys were working in the field, yes, the dog's name is Muko, absolutely, okay? So dog ka naam tha Muko, and before the death, dog grew apart from the owner. No, not like that, Barnali, Puspak, no. So then what happened, jo dog tha, he started to slightly dig at a place, and he was showing his master to dig at this place. Now the master, what did he do? He got a spade and he dug the place where the dog was pointing, and to his surprise, what did he found? He found a lot of coins, hai na? He found a lot of gold coins. Okay, suddenly this master became rich, the old couple became very rich, and what did they do after becoming rich? They held a grand feast for their neighbors, hai na? And they lived happily. Right, a pile of gold. So then what happened? ये सब फीस होने के बाद जो उनके नेबर थे उन्होंने क्या किया, उनका कुत्ता बोरो कर लिया. ओके, थिंकिंग दैट Muko विल ऑल्सो गाइड देम टुवर्ड्स द पाइल ऑफ गोल्ड, राइट? बट Muko, हु वॉज अ वेरी स्मार्ट डॉग, ही न्यू दैट दीज गाइज अ वेरी यू नो सेल्फिश एंड ग्रीडी पीपल. सो वॉट डिड Muko डू? Muko डायरेक्टेड देम टुवर्ड्स अ डेड कैट, एंड इट वॉज सो स्टिंकी एंड स्मेली that these people got angry. Jo greedy couple tha wo gussa ho gaya, right? So greedy couple became angry and they killed the dog and they flung him. Okay, so they are such bad people, right? When I was reading this story for the first time, I felt so sad about the dog and about the couple who did this. Okay, it was so pathetic of them. Yes, absolutely, Jasmine. So then what happened? They killed the dog and they buried it near a tree, right? Now, ab ye jo kutta tha, his master loved him a lot. So what did the master do? He created a proper grave for the dog, hai na? And he put something which is equivalent to a tombstone. Okay, usne apne dog ko ek proper honor diya. Right? I made a drawing of you, ma'am. Please give me your tele ID. I think na aapke link. One second, guys. Yes, I wanted to tell you all this. Kyunki aap logon ne kaha hai. Bugs Bounty. One second. Unacademy classes upcoming link, channel link, subscribe to our channel, join Telegram. Just one second, guys. I'm looking for the link which where you can submit. Okay, maybe today it's not there. Guys, शायद कल से ना एक link activate होने वाला है जो कि description box में रहेगा. All you have to do is upload your cards, whatever you are making for teachers day ना, आप सब अपना upload कर सकते हो उसमें. जैसे अगर आपको मुझे dedicate करना है, आप मेरा नाम लिखो, अपना नाम लिखो. There is going to be a form, okay? तो वो फॉर्म में डाल करके आप अपलोड कर सकते हो. हाय शशि, ले लिया मैंने आपका नाम. सो पुष्पक, आपकी ड्राइंग ना, आप कल एक लिंक रहेगा उसमें अपलोड कर सकते हो. मैं कल बता दूंगी, कल डिस्क्रिप्शन में होने वाला है वो लिंक. ओके, या फिर मे बी आई गिव इट टू यू इन द चैट, जस्ट वन सेकेंड. ओके, okay, Pushpak, can you open this link and check if you are able to open it up? What
my favorite color. Actually, my favorite color is on the screen. I use this green color because this color is my absolute favorite. I know ki late ho raha hai. So anyhow, the dog was buried and उसके बाद क्या होता है, वो अपने master के सपने में आता है and he tells the master कि जिस जो tree है ना, जिसके बगल में उसको दफनाया गया है, उसको cut करके उससे एक चीज़ बनाने के लिए, पीसने की चीज़, जिसमें कि they can make a sauce, right? Bean sauce. तो bean sauce बनाने के लिए एक पीसने की चीज़ बना सकते हैं, right? And what happened? After that, after these guys cut the tree and they made it. Yes, mortar and bowl, something in which they could grind the beans to make the sauce, hai na? So then what happened? When the winters came and this guy wanted to make rice pastries and bean sauce, so the moment they were making the bean sauce, again gold was oozing out of the mortar instead of the bean sauce, right? So mortar mein se bean sauce, do you guys understand what a mortar is? Ek jaise hamare gharon mein hota hai na, jisme ki hum peeste masale peesne ki cheez, okay, that is a mortar. A mortar and a pestle, okay, something in which you can grind, an old style. Don't like Harry Potter. Man, the drawing is not great, but after a lot of hard work I made. Thank you Pushpak, I am already so happy. So bean sauce ke badle usme se kya nikalne laga, gold. Okay, again this was seen by these people, okay, the greedy people. So what happened, they took this मोटर फ्रॉम दीज गाइज, दे बोरोड इट एंड दे थॉट दैट अब उनके यहाँ भी गोल्ड निकलेगा. पात्रो, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी बिग, ओके, दैट इज वाई आई वॉज सेइंग दैट जो द क्वेश्चन आंसर्स में तो हो ही जाएगा, इसको छोटा करने का कोई तरीका नहीं है. यस पीस है, करेक्ट, एग्जैक्टली. सो अगेन व्हाट हैपेंड, इन लोगों ने लिया तो उसमें से क्या निकला, वर्म्स. सो दे गॉट सो अपसेट दैट दे बर्नड द एंटायर थिंग, है ना? ओके गाइस, आई थिंक वी शुड मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स में सारा चैप्टर का रिवीजन कैसे भी हो जाएगा, बिकॉज इफ वी कंटिन्यू टू डू द रिवीजन, आई मीन द चैप्टर, देन क्वेश्चन आंसर्स विल नॉट बी डन. टाइम थोड़ा सा कम है आज हमारे पास, देन यू टू डू मेंटी एंड देन 10 सर्टिफिकेट्स. आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे आज. सो एनी हाउ, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर, दे हैड एक्सपेक्टेड, वन सेकेंड, आई थिंक आई हैव मेड अ टाइपो ओवर हियर, दे हैड एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड कैट, है ना? Yes, yes, Menti hoga guys, Menti hoga. Mark the right answer. The old farmer and his wife loved the dog because it helped them in their day-to-day work as if it was their own baby or as they were kind to all living beings. Kya hoga iska answer? What is going to be the answer for this one, guys? Thank you, Mr. Extreme. The old farmer and his wife loved the dog because yes, they were kind to all human beings. Ma'am, jisme hum ginger crush karte hain tea banane ke liye, correct, absolutely. सो हम बी और सी में कंफ्यूज है, बट आई थिंक द आंसर विल बी बी, एज दो इट वॉज देयर ओन बेबी, है ना? ऑल राइट, वेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, वट डिड दे डू, दे गेव द डॉग बेटर फूड, दे इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट और लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स.
क्या होगा? बी और सी, ए बी या सी में से क्या होगा? सो आई थिंक द आंसर फॉर दिस वन विल बी सी. दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. सी, उन्होंने फीस पे तो बुलाया ही बुलाया, बट दे वर ऑल्सो जेनरस ना टुवर्ड्स देयर नेबर एंड दे लिव्ड वेरी कंफर्टेबली, राइट? The answer is C. If you look at page number 57, first part में उसका answer है. They lived comfortably, they bought a piece of land and were generous towards their poor neighbors. Okay? The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make rice pastry and bean sauce, magic ash to win rewards or pile of gold. They wanted what? They wanted the pile of gold, right? Yes, Paridhi, it's a wonderful story. So, these guys wanted the pile of gold. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? The old farmer was a kind person. It is evident from the fact that the way he treated the and loved his dog as his own baby, right? Humne abhi wo answer mark kiya tha, they treated the dog as his own baby. Ma'am, can you say in Hindi? Ab ye to question answers hai. Which book? Book is Honeycomb, guys. Hamare ye wali book hai, Honeycomb. I have an old version of this book. Utkarsh Patel, hi Utkarsh, how are you doing? So what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? The dog came running towards the farmer. It kept his paws against his legs with his head and it kept on directing towards the spot behind him. Hai na? Wo kutte ne aise scratch kar kar ke usko bataya ki wahan pe ja kar ke aap kar lo. I was going to upload video on Teacher's Day. Okay, good. Thank you so much, Tejasvi. तो फॉर्म में आप मेरा नाम लिख सकते हो और अपना नाम लिख सकते हो एंड देन यू कैन ऐड योर मटेरियल, है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? ओके, द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मॉर्टल एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट. विद द मॉर्टल एंड द मिल it gave the farmer heaps of gold. Again, this dog was such a beautiful golden dog that even after dying, he helped the farmer get another heap of gold. Mentee bas aane wale Tejasvi, we are going for the mentee in, ma'am, where did you get it, our course or fun? Viransh, CBSC ka hai, it's not for fun. It is a good story for, without a doubt, but ye CBSC ka hai. Okay, it's from the book Honeycomb. Ma'am, as well as he treat his neighbors as his family members, correct? So how did he help him next? The spirit of the dog again came into the good old man's dream and told him how the wicked neighbors had burned their mill. Okay? Then the spirit advised him to take the ashes of his mill and sprinkle them on the withered trees. This way, the dog spirit helped him next. So we see what happens, na? The moment the old man throws this ash on the tree which was withered, jo ped jo murjha gaye the, pure sukh gaye the, unme fir se phool aa gaye, hai na? Vijaya, kya ho gaya? What are you not able to understand? So the next day, a lot of flowers came onto the cherry tree which was owned by the farmer, right? The dog again helped and this is how the ashes made the cherry tree bloom, right?
Why did Daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? Because जो Daimyo जो था जब वो pass कर रहा था तो the farmer made the tree bloom, right? But then what happened? हाँ मेंटी बस करा ही रही हूँ, okay? Made the tree bloom, but what happened when the greedy neighbor did it? It did not do anything. In fact, वो ash जो है जाके Daimyo और उसकी wife के मुंह पे गिर गया, and because of which they were very upset and they started to scold the farmer, the greedy farmer, right? Spoiling the pomp and dignity of the procession. ये last है. This was the last question. Sihangshu Manna, this is the last question. And we have the mentee now, okay? ये हमारी Harry Potter की mentee है and it is on the request of Sai Sweta. Thank you so much, Tejasvi. How sweet of you. Okay, Viranj, I am able to see your message now. Please join the mentee, guys. It's 9276161611. Harry Potter के असली के fans कौन कौन है यहाँ पे? Screen is not visible. चैप्टर की मेंटी नहीं है, हैरी पॉटर की मेंटी है. मोनालिसा, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज. जब मैं चैप्टर की कराती हूँ तो सब बोलते हैं बहुत बोरिंग है ये मेंटी, ये है वो है, तो मैंने कहा आज हैरी पॉटर की कराते हैं. थैंक यू चीज केक. ओके प्रांजल फुटबॉल. स्मॉल स्क्रीन कर सकते हो. ओके कैमरा की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और स्मॉल स्क्रीन अभी तुरंत तो नहीं हो सकता है. मे बी आई कैन मूव टू द साइड अ लिटिल बिट. Gamer King, okay Aro, I see you. You are the rabbit. Okay, आप सब में से हैरी पॉटर कितने लोग देखते हैं? मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि हैरी पॉटर पसंद है, इसके लिए मैंने आज हैरी पॉटर किया है. I am starting. So who kills Professor Dumbledore? ये पहला क्वेश्चन काफी इजी है, जो नहीं देखते हैं उनको ही पता है ये बात. Harry Potter, is it Bellatrix Lestrange? Is it Draco Malfoy? Is it Severus Snape? Okay, 13 of you say it is Snape, so it is Snape for sure. Hi Aditya. Achha, you don't watch. Okay, koi baat nahi, it's okay. So we have Sihangshu, Naitik Loves English, Sai Sweta, Mona Lisa, Jasmine, Prateek, Puffy, Thinky, Kanan and Tejasvi. Awesome. Pehchana aapko Suraj, maine pehchan liya. So the next question is, what is an auror? Auror क्या होता है? What is an auror? A career counselor at Hogwarts, a professional Quidditch player, a person that catches dark wizards, a person that can change his appearance.
So, an auror is a person that catches dark wizards. सार्थक आज तो नहीं है कोई स्टडी वाली क्विज. ओके गाइज वंस एंड फॉर ऑल लेट मी डू दिस. डू यू गाइज लाइक हैरी पॉटर मेंटी, क्योंकि एकदम पहली बार करा रही हूँ मैं. ओके मोस्टली तो मैं स्टडी वाली ही कराती हूँ. सो डू यू गाइज लाइक हैरी पॉटर और दिस काइंड ऑफ मेंटी, और डू यू वॉन्ट स्टडी मेंटी? स्टडी मेंटी तो मैं बहुत दे सकती हूँ. आई डोंट माइंड स्टडी मेंटी एट ऑल. प्लीज लेट मी नो इन द चैट. Which mentee do we like? Okay, anyhow, let's look at the score. Only funty karao. Achha, okay. Study material, no, I don't watch. ये ना दो महीने में पहली बार मैंने fun mentee कराई है and you guys are giving me such a bad response. Anyhow, third question is on the screen. Henty kya hota hai? Okay. Guys, there was an internet issue because of which वो lag था and then one question was not there, okay? So what does Imperious Curse do? What does Imperious Curse do? Kills, tortures, controls or turns the person into a pig? What does the Imperious Curse do, guys? Well, let's see what it does. So it controls a person's actions, right? Imperious Curse jo hai, it controls a person's actions. अच्छा विरांश हेट्स हैरी पॉटर. सो जेनी तेजस्वी विरांश जैस्मिन लव साइट हूज लव साइट सूरज बहुत टाइम बाद सेंशु प्रतीक मोनालिसा एंड चक्रेश अमृता. ओके अच्छा मोनालिसा इज अ पॉटर हेड. आई डोंट सी मेनी पॉटर हेड. सबको पॉटर पसंद नहीं है शायद. हु इज फ्लफी? Is it Harry's owl? Is it a three-headed dog? Is it Hermione's cat or Hagrid's dragon? Guys, quickly like the video. Harry's owl, three-headed dog. It is a three-headed dog, right? So we have Jenny, Viransh, Prateek, Tejaswi, Monalisa, Sihanshu, Navraj, Ananya, Jasmine and Lovesight. Saksham, मुझे भी हैरी पॉटर की स्टोरी इतनी ज्यादा याद नहीं है लेकिन बहुत डिमांड थी हैरी पॉटर की तो मैंने कहा कराते हैं हैरी पॉटर की मेंटी. एंड नाउ एवरीवन इज लाइक आई डोंट वॉच हैरी पॉटर सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. How does Harry catch his first snitch? It was in his mouth, right? Through his mouth he caught his first snitch.
स्टडी मेंटी, ठीक है कल से तो स्टडी मेंटी ही कराऊंगी मैं, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि स्टडी मेंटी ही कराएंगे। थैंक यू मोनालिसा, हाउ स्वीट ऑफ यू। सो वी हैव जेनी, तेजस्वी, मोनालिसा, प्रतीक, विरांश, साई, श्वेता, जैस्मिन, अनन्या, सिहांशु एंड चक्रेश। सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट डज द मिरर ऑफ एरिसेट डू? टेल द ट्रूथ, टेल द पास्ट, शो योर हार्ट्स विश और गिव्स यू व्हाट्स। मुझे ये वाला सीन याद है हैरी पॉटर के, व्हेन ही लुक्स एट द मिरर एंड ही सीज हिज पेरेंट्स इन द मिरर, रिमेंबर गाइस? आई थिंक ये फर्स्ट वाले पार्ट में ही था। दिस चैट इज सो डिवाइडेड कि फन मेंटी कराऊं कि स्टडी मेंटी कराऊं, मैं तो फुल चक्कर खा गई हूं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड नाउ। पोकेमॉन मेंटी प्लीज नवराज, है पोकेमॉन हैरी पॉटर में इतना मच गया यहाँ पे तूफान, पोकेमॉन लेके आऊंगी तो क्या होगा? गाइस चैट में आंसर मत करो बिकॉज चीटिंग हो रही है। यस चैट में नहीं करें आंसर, इट इज मच बेटर। दिस इज द एट क्वेश्चन, वी ओनली हैव टू मोर टू गो गाइस। What is a grop? Who is a grop rather? Is it Ron's owl? Is it a centaur? Is it Sirius's house elf or Hagrid's half brother? It is Hagrid's half brother, right? Okay, only two people in the chat. Just Tejasvi and Jenny knew the answer. Is it that difficult? ये तो GC question आ गया Harry Potter में भी। Okay, ninth question is coming on the screen. How are Hogwarts students placed in their houses? अब ये एकदम easy वाला है, okay? Everyone can do it. I am really hoping a lot of hulchul in the leaderboard. A sorting hat, they draw straws by Dumbledore or by their parents. So there's a sorting hat, right? I like that process. It's a very fun process. So who has won this mentee? I think comfortably Jenny has won this mentee, or maybe Tejasvi, I don't know. Yeah, Tejasvi has won the mentee or Jenny I has second. Sai Potterhead, what happened to you? Aapke liye maine mentee rakhi thi and you are in the fourth position I think. ये क्या हो गया साई? सो वी हैव तेजस्वी, जेनी एंड देन मोनालिसा, प्रतीक एंड देन साई, श्वेता, जैस्मिन, ऑल्सो वीरांश हू हेट्स हैरी पॉटर इज इन द सेवेंथ स्पॉट। क्या बात है, नॉट बैड वीरांश फॉर अ हेटर। एंड देन वी हैव सूरज, अनुष्मिता एंड हार्दिक। एवेंजर्स मेंटी,
तो मैं स्टडी मेंटी ही कराने वाली हूँ, इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। ओनली 9 पॉइंट से कैसे हुआ जरा बताओ। Anyhow, let's start with the prizes because we don't have that kind of time. So first one is our very own Tejaswi, the cheesecake guy. Tejaswi aaye hain number 1 in this mentee. And then we have Jenny on number 2. Congratulations to व्हाइट पेन से ही तो लिखा है तेजस्वी। देन वी हैव मोनालिसा। ओके मोनालिसा क्या मैं लिखूं, मोनालिसा लिखूं या मोनालिसा लिखूं, जल्दी बताओ चैट में फटाफट। हाय आदित्य द ग्लोरी ऑफ बिहार। अच्छा धीरांश का नाम रेड से, ओके। आपकी मर्जी, तो फिर तो मैं होना लिस्सा ही लिखूंगी। ओके सो देन वी हैव प्रतीक, प्रतीक हूज at the fourth position. अच्छा तापस का मिसक्लिक हो गया। ओके साई का मिसक्लिक हो गया, इट्स ओके साई, सम अदर टाइम। साई स्वेता इज इन द फिफ्थ पोजिशन। Then we have Jasmine, who's in the sixth, and then we have Viransh, who wants red pen. Who's in the seventh position? मैम आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ। वीरांश एंड देन वी हैव सूरज एट। अच्छा पेन चेंज करना पड़ेगा ना मुझे, इसके बाद कर लेंगे। वन सेकेंड, so we have Suraj who is in the 8th position, mentee khatam ho gaya, yes absolutely, Anushmita and Hardik, then we have Hardik, one second. I want green pen. Green pen dikhega nahi Hardik, but theek hai, I'll do it. Hardik in the 10th slot. So big congratulations to all of you guys for winning this mentee. It was awesome. I really hope that some of you like this mentee, though all of you did not. But anyhow, kal se hum karenge study mentee. And how to install the Unacademy application, you guys already know. You can find it on Google Play or the App Store on Apple phones.
once you find this application, what you have to do is go for the plus subscription with my code, which is SWS10, jo ki yahan par likha hai guys. This is my code. Do a mentee again, ma'am ki class hai abhi. Iconic ke benefits hai sare plus wale. पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको मिलता है, और जो प्लस की बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगी, यानी यू गेट लाइव मेंटरशिप, यू गेट लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स अराउंड द कंट्री, यू गेट पीडीएफ सॉल्यूशंस, यू गेट एवरीथिंग. ओके, ऑल्सो प्लस की प्राइसिंग हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, एंड यू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू Use my code SWS10. Also pricing change भी हो गई है guys. कल से हम change pricing वाली deck लेकर के आएंगे. Saksham, tell me your doubt. Can you do mentee again? पूरा time खत्म हो गया ना, अभी तो mentee नहीं कर सकते, कल कर लेंगे. Iconic की pricing आपके screen पे है, आपको मिलता है best educators, you get interactive live classes, that tests and quizzes you already know हम रोज ही करते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट एंड क्विज आर देयर ऑन आइकॉनिक. देयर इज पर्सनल मेंटरशिप एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन गाइस, एंड ऑल यू कैन यू हैव टू डू इज यूज माय कोड टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. फ्री क्लास और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलती है व्हेन यू यूज माय कोड SWS10. सो प्लीज गो फॉर माय कोड व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर फ्री क्लासेस. Also, thanks for coming out tonight and for this wonderful class that we had just now on the ashes that made the trees bloom and the mentee that we had on Harry Potter. I really hope you enjoyed the class as much as I did. Do like, share, subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon because that is where you get all the updates from our channel. So that is all from me for tonight. I will join you again tomorrow. See you all guys. Bye bye. Neha.